हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1.10 और यही क्वेश्चन हमारे पास में डाइपोल से रिलेटेड है. ओके, क्वेश्चन में गिवन है टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकुलम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलम, है ना. यहाँ पर दिख रहा है हमको डायग्राम में, आर प्लेस एट 5 सेंटीमीटर 5 mm अपार्ट. दिस 5 mm इज वेरी लेस देन 15 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी. ये पॉइंट हमारे पास में पी पॉइंट है. ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है. दिस इज पॉइंट पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन है एक्सियल पोजीशन. ओके, विच इज़ एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर, एंड बी एट पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे. ओके, जैसा हमको डायग्राम में गिवन है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पर. ओके, एक्सियल पोजीशन पर. यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास में होता है क्यू इंटू डी. तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 10 × 10⁻⁶, और डी का वैल्यू यहाँ पर 5 mm, मतलब 5 × 10⁻³ गिवन है. ओके, mm का मतलब 10⁻³. तो 5 × 10 हो जाएगा 50, और 10⁻⁶ और 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁹, और ये यूनिट होगा कूलम मीटर. ओके, तो हमें पी का पता चल गया. अगर एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम देखें, सिंस दिस डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर. ओके, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? डी का वैल्यू 5 mm है, और R का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्चुअल पोजीशन पे 2P डिवाइडेड बाय 4πε₀r³. 2 × 1 / 4πε₀, मतलब कि 9 × 10⁹ उसका वैल्यू होगा. P का वैल्यू हमको यहाँ पर 50 × 10⁻⁹ मिल रहा है, और R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 × 10⁻²³. ओके, तो यहाँ पर 10⁻⁹ कैंसिल होगा. एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो हमको मिलेगा 18 × 50 / 15³³ × 10⁻⁶. ओके, तो इसे हम 18 × 50 / 15 × 15 × 15 और 10⁻⁶ न्यूमरेटर में हो जाएगा. तो एक्सियल पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 3 × 6 = 3 × 5 = और ये हो जाएगा 10 times. ओके, कितना हो जाएगा? 10 times. ये हो जाएगा 3 × 2 = और ये 3 × 5 = ओके, तो ऊपर मिलेगा हमको, और ये फिर 3 × 2 = 5 × 2 = तो ऊपर मिलेगा 4, नीचे मिलेगा 15 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम. और अगर हम क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो कि परपेंडिकुलर पोजीशन है, तो वहाँ पर होगा पी डिवाइडेड बाय 4πε₀r³, मतलब इसका हाफ, मतलब 2/15 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम. इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ द आंसर. इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, क्योंकि NCERT में अलग मेथड से दे रखा है, हमने यहाँ पर सिंपल फार्मूले का यूज़ किया है, क्योंकि फार्मूला भी NCERT में डिराइव किया है. NCERT में इस मेथड से भी उन्होंने सॉल्व करके बताया है. कंपेरेटिव रिजल्ट जो आया है हमारा, जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे थोड़ा सा कम आ रहा है. ओके, सो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा जस्ट अ मिनट, टू पॉइंट सिक्स. इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा 2.6 × 10⁵. 2.6, जस्ट अ मिनट,
इंटू 10^5 न्यूटन पर कूलम, और ये होगा 1.3 इंटू 10^5 न्यूटन पर कूलम. स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट सो एनी टाइम यू कैन आस्क. थैंक यू वेरी मच.